माता की, भारत माता की। आज मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करता हूं। आज हमारे दूरस्थ वनांचल स्थित चितरंगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री मंच पर विराजमान है। साथियों, उनके साथ में आए हुए मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, पीएचई विभाग के माननीय बृजेंद्र सिंह जी यादव, सीधी सिंहरौली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, सिंहरौली के विधायक माननीय राम लल्लू सिंह जी बैस, देवसर के विधायक माननीय सुभाष रामचरित जी, धौहनी के विधायक श्री कुंवर सिंह टेकम साहब, मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं बर्दी खटाई के राजा साहब आदरणीय कांत देव सिंह जी, सिंहरौली जिले के भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेन्द्र गोयल जी, सीधी के सांसद, सीधी के अध्यक्ष श्री चौहान साहब अपने बीच उपस्थित, सीधी के राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, मंच में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय जी पाठक, मंच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के जिला के मंडल के सभी पदाधिकारीगण, भाजपा के कार्यकर्ता साथियों, मीडिया के साथीगण, प्रदेश से आए जल जीवन मिशन के अधिकारीगण, संभाग के आए कमिश्नर साहब एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारी साथीगण, सुरक्षा व्यवस्था में लगे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारी साथियों, सामने बैठे जनता जनार्दन, माताएं बहने, मैं आपके विधायक होने के नाते आप तरफ के तरफ से तथा अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंत्री महोदय का, सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हैं। आप सबको विश्वास और भरोसा है कि हमारे सरकार में जो भी निर्णय लेते हैं, आप जनता जनार्दन के कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाना, और उसी तारतम्य में आज हमारे लाडला मुख्यमंत्री हम सबके बीच हैं। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री कई ऐसे योजना ले आए हैं। आज सिंहरौली जिला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सीधी सिंहरौली जिला एवं रीवा संभाग के जिलों में भूमि पूजन, शिलान्यास का कार्यक्रम एवं शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय चितरंगी का, जगन्नाथ सिंह स्मृति विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम के लिए आए हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि मैं
स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह का छोटा भाई हूँ। इस बार के चुनाव में मैं आप लोगों से यही वादा किया था कि हमारे भाई साहब का स्वर्गवास हो गया है, आप लोगों को जो विधानसभा के लिए विकास कार्य योजना के लिए वादा किए होंगे मैं पूरा करूंगा। इसलिए आप लोगों ने मुझे 60,000 वोटों से जिताकर विधानसभा मध्य प्रदेश में पहुंचाया था। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 साल के अंतर्गत सूदा से मोहरिया रोड निर्माण, केवटली से नेकहवा रोड निर्माण, दीपवा से बछनार रोड निर्माण और कुढ़ेरी से बीछी रोड निर्माण बनकर तैयार है और पूर्ण होने जा रहा है। इसी प्रकार से पिछले बार चुनाव में जब माननीय मुख्यमंत्री जी दुधमनिया आए थे उस समय मांग रखा गया था और यह भी मांग रखा गया था धरौली से बीछी सोन नदी पर पुल, पड़री बांध का नहर और रोड इस वर्ष के बजट में जुड़ गया है, सर्वे कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथियों, मैं मानी जी को समय कम है, मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए मैं कुछ बिंदुओं पर मांग पत्र आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। माननीय जी को यह कार्य करना होगा। साथियों, हमारा यह विधानसभा क्षेत्र एक ही जनपद पंचायत विकास खंड, एक ही तहसील, एक ही विधानसभा का सीमा है। हमारा एक ऐसा क्षेत्र है सोन नदी के पार, बगदरा अभयारण्य कोरावल से जाना जाता है। हम मानी जी से चाहेंगे बाण सागर का नहर जो उत्तर प्रदेश जाता है उसको डाइवर्ट कर उस 64 ग्रामों में पानी पहुंचाने का काम करेंगे। यही प्रथम मांग माननीय जी से है। साथियों, दूसरा मांग है दुधमनिया सर्किल को तहसील बनाने के लिए मैं मांग पत्र रखता हूँ। तीसरा, इसी प्रकार से कोरावल बगदरा क्षेत्र पहाड़ के सोन के पार है, मैं चाहूँगा वहाँ भी एक तहसील आने वाले समय में देंगे। साथियों, अपने चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चितरंगी गढ़वा मोरवा का अंशभार, बरगवा का अंशभार, जियावन का अंशभाग चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ सिविल कोर्ट नहीं है, प्रक्रिया में है। माननीय जी से मैं चाहूँगा सिविल कोर्ट स्थापित करने का कष्ट करें। साथियों, उस बगदरा के 64 ग्रामों के लिए एक ही बाजार करने का उनका चारा है, मिर्जापुर, घोरावल और राउटसगंज। वहाँ एक गोपला से बिसही रोड है, 10 किलोमीटर है, उसको मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारा यह मैदान छोटा है, हेलीपैड यहाँ पर नहीं बन पाया। मुझे रास्ते में माननीय जी कह रहे थे कि दूसरा कोई स्थान नहीं था। मैं माननीय जी से निवेदन करता हूँ, एक अपने चितरंगी में हेलीपैड का स्थान है, यह मुख्य मार्ग से मॉडल स्कूल तक बड़ा हेलीपैड और छात्रावास, वहीं पर बड़ा सा रकबा है स्टेडियम बनाने का, उसको भी मंजूरी देने का कष्ट करें। साथियों, माननीय जी को 4 बजे यहाँ से निकल जाना है स्टेडियम के लिए। अपन जहाँ उतरे हैं सकरिया में, एक खटाई में, एक पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के आए थे देवरा में, वहाँ घोषणा किए थे रमन सिंह साहब कि यहाँ स्टेडियम होगा, लेकिन वह पेंडिंग कार्य है। एक अपने सोन उस पार पड़री गांव है, वहाँ भी एक अच्छा मैदान।